अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? दुआ करता हूँ आप सारे अच्छे से रहे, सारे खुश रहो। आज की वीडियो है, एक टूल दे रहा हूँ मैं आपको, बहुत पहले का दिया हुआ पर आज बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है टूल। इसमें आपको सैमसंग FRP बिल्कुल फ्री है और भी बहुत सारा फ्री है, खाली इसमें थोड़े बहुत वीवो के जो मॉडल है वो पेड है, बाकी आपको फ्री देखने को मिल जाएगा। जैसे आपको कोई सैमसंग का फ़ोन रिसेट नहीं हो रहा, वो दूसरा वाला नहीं होता, तो वो भी कर सकते हो। वीवो के बहुत सारे फ़ोन हैं जो FRP या रिसेट नहीं होते, वो भी कर सकते हो। सबसे पहले ये टूल आप डाउनलोड कर लोगे, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। ये टूल आप डाउनलोड कर लोगे, ये टूल आप कहाँ से डाउनलोड कर लोगे, जब क्रोम ओपन कर लोगे ना आप, यहाँ पे आप लिखोगे एंड्रॉइड मल्टी टू, ठीक। उसके बाद सर्च कर लोगे आप, ये पहले नंबर पे आप देख रहे हो ना, एंड्रॉयड मल्टी टूल होम पेज, इस पे आप क्लिक कर लोगे। इस पे जब आप क्लिक कर लोगे, यहाँ से आप डाउनलोड करना है जो भी वर्जन होगा। आज की डेट में 1.2.5.8 है, ठीक है। तो यहाँ से आप जब डाउनलोड कर लोगे, यहाँ से मॉडल भी देख सकते हो, इसमें कितने सारे मॉडल हैं, ठीक है। देखो अब आप फ्री कैसे चला लोगे इसको, वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा। जैसे हमारे पास है इसमें ID पासवर्ड, तो वो हम लगा देंगे, ठीक हो गया। अगर हमारे पहली बार हम आ रहे हैं तो यहाँ पे डोंट हैव इन अकाउंट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे ID लगा लो जो आपके पास जीमेल होगी, ठीक है, जो हमेशा आपके पास रहती है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद नाम लगा लो यहाँ पे, जैसे मैं गूगल चाचा 555 कर रहा हूँ, पासवर्ड भी कुछ कर लो आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लो, ठीक हो गया। अब देखो ये तो यहाँ पे ID बन गई, ठीक है ना, ये ID बन गई। ये नेम से लॉगिन नहीं होगा, आपको मेल लगा के और पासवर्ड लगा के लॉगिन होगा, ठीक है। यहाँ पे बन गई। अब मैं बैक कर रहा हूँ, यहाँ पे जीमेल, यहाँ पे वही लगाओ और यहाँ पे वही पासवर्ड में लगा रहा हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे लॉगिन कर लूँगा, पर ये लॉगिन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? यहाँ पे प्लीज़ भाई, यहाँ पे क्रेडिट के लिए बोल रहा है, मैं समझा दूँगा ये क्यों ऐसा बता रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे मैं बैग जाऊँगा, यहाँ पे RD मैं बना चुका हूँ, तो ये लॉगिन तब होगा जब आप इसमें 10 क्रेडिट डाल दोगे। यहाँ पे नीचे देखो आप, ये यूज़र नेम है गूगल चाचा, यहाँ पे 10 क्रेडिट मैंने डाल के रखे हैं, जो आई थिंक आपको 1000, 1100 या 1200, जिससे भी लेना चाहते हो। अगर आप आज की डेट में मेरे से लेना चाहते हो तो आपको 1000 रुपये के ही 10 क्रेडिट पड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये 10 क्रेडिट मुझे याद भी नहीं है, जब ये नया टूल आया था तो तब मैंने 10 क्रेडिट डाले थे, उसके बाद मैं फ्री काम कर रहा हूँ। ये 10 क्रेडिट कहाँ पर मेरे को यूज़ होंगे? अगर मैं चाहूँ तो वीवो के ब्रांड पे ही खर्च होंगे और कहीं पे नहीं। आज की डेट की बात कर रहा हूँ मैं, फुल इन्फॉर्मेशन इसकी देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे अगर नीचे डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट बॉक्स में जब जाओगे, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे मैं आपको फ्री टूल्स, फ्री फाइल्स, जो पेड होता है वो फ्री देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन हो जाना, वो नंबर भी है वहाँ पे, अगर किसी को भी चाहिए। ये देखो तब लॉगिन होगा जब इस यूज़र नेम में या जीमेल में, जो आपने यहाँ पे ID बना दी, पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। जब आपको चाहिए होंगे तो यहाँ से आप 10 क्रेडिट ऐड कर लो इसमें, उसके बाद ये आराम से लॉगिन हो जाता है, ठीक है। ID कैसे बनती है वो मैंने आपको बता दिया, उसके बाद उसमें 10 क्रेडिट डाल दो, उसके बाद ये ओपन होगा। सबसे पहले फ्री वाला काम आपको मैं बता दूं, सैमसंग की FRP आज की डेट में नहीं हो रही है। अगर आपके पास SPD है तो खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कॉलकॉम का फ़ोन है, जैसे M11 है,
इसको आप टेस्ट पॉइंट, ये जो ईडीएल टेस्ट पॉइंट जो बोलते हो उससे कनेक्ट करके कर लो, अगर क्वालकॉम है। अगर एमटीके है या एसपीडी है तो फ्री हो जाएगा, वॉल्यूम अप डाउन से कनेक्ट कर लो, सॉरी अप डाउन नहीं, सैमसंग ब्रांड पे खाली वॉल्यूम डाउन से कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। देखो अगर आपको फ़ोन रीसेट वाला ऑप्शन नहीं आता तो वो यहाँ से कर सकते हो आप, फैक्ट्री रीसेट प्लस एफआरपी दोनों का काम हो जाएगा। फ्री वाला खाता है तो अच्छा रहेगा आप, अगर एफआरपी है तो खाली रीसेट एफआरपी, और फ्लैश भी कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे फ्लैशिंग पे क्लिक कर लो, देख लीजिए यहाँ पे फर्मवेयर यहाँ पे ऐड करके, उसके बाद इरेज एफआरपी, रिबूट, सेव फॉर्मेट, यहाँ पे जो है एनवी बैकअप, ये भी है इसमें, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ आपको, जैसे मेरे पास एक डेड बूट फ़ोन आया था, वो अनलॉक टूल ने शायद डेड करा था, उसके बाद इसने वन क्लिक से उसको फिक्स किया, जब रूम मोड पे चला गया, पहले की बात है, तो उसको डेड करा था अनलॉक टूल ने, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके फिक्स डेड बूट किया था, वो ऑन हो गया था, ठीक है। तो अब सारे मॉडल तो नहीं बता सकता मैं, जैसे A10s है, A10s मैंने सिलेक्ट करा, यहाँ पे है ही नहीं, मैं A22 सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे ही फिक्स डेड बूट है। तो चाहो तो कोई भी अगर MTK का है, डेड हुआ है FRP पे, तो ये सिलेक्ट करके यहाँ से ट्राई कर सकते हो आप, ठीक है। तो वैसे अनलॉक टूल की फुल वीडियो मैंने आपको दी है, तो इससे कल ही शायद अपलोड करिए, वो देख सकते हो अगर आपसे कोई फ़ोन डेड होता है तो वो क्यों होता है, ठीक हो गया। इतने सारे मॉडल आप फ्री कर सकते हो, कोई क्रेडिट नहीं, कुछ नहीं, ठीक हो गया। सैमसंग ये आ गया, उसके बाद अब वीवो की बात आती है। वीवो में बहुत सारे, यहाँ पे क्लिक करके काम ख़त्म कर लो। अगर आपके पास स्क्रीन लॉक है तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ आप यहाँ पे क्लिक कर लें, क्योंकि फैक्टरी रीसेट प्लस एफआरपी एक ही में काम हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही के क्रेडिट लग जाएंगे। फ्लैश कर सकते हो, हैलट चेक कर सकते हो, डेमो रिमूव कर सकते हो, फैक्ट्री रीसेट। कभी कभी वीवो के ऐसे भी फ़ोन है ना, वो रीसेट होते ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं आता, तो वो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप मॉडल देख लीजिए, मॉडल कितने सारे हैं इसमें। अगर ज़्यादा आप ये टूल लेते रहते हो, क्योंकि ये तो फ्री है ना, मेरे हिसाब से देखो ये 10 क्रेडिट आपको कहीं पे काम आ जाते हैं, मुझे खुद भी याद नहीं है मैंने कब डाले थे और मैंने आज तक इसको खर्च नहीं किया, ठीक है, इसलिए मैं फ्री टूल बोल रहा हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे मॉडल देख लीजिए, मॉडल कितने सारे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे 23 है, 25E है, 27 Pro भी है जो अनलॉक टूल में है ही नहीं, ये देख लीजिए 27 Pro है उसमें नहीं है, 27 बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 27, 29 भी है, 29 Pro भी है, ठीक है, जो उसमें है ही नहीं, अनलॉक टूल अभी बढ़िया चल रहा है फिर भी इसमें ऐड है। तो मैं चाहता हूँ ये आप डाउनलोड कर लो, आईडी बना लो, और किसी से भी अगर मेरे से आप 10 क्रेडिट लेना चाहते हो तो 1,000 रुपये सेंड कर लो, और 10 क्रेडिट में ऐड कर दूँगा, आपको जीमेल यूज़र नेम देना है, ठीक हो गया। तो ये आ गया वीवो का, सही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ रेडमी के, उतना सारा इसमें है ही नहीं, A3 है। A3 में आप रीसेट FRP, फैक्ट्री रीसेट प्लस FRP, वन क्लिक से ही गेम ख़त्म, ठीक, फ्लैश कर सकते हो, और रीसेट MI अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको नोट 11 कितने सारे हैं, यहाँ पे नोट 8, 6, 9 थोड़े से मॉडल है इसमें, 11 Pro, नोट 11 Pro Plus, नोट 11, नोट 11 R है, नोट 12 Pro 5G है, नोट 7 7S, नोट 7 Pro, बाकी छोटे मॉडल है। पोको C50 है, C51 है, M4 भी है, पोको M4 Pro है, नोट 11S 4G, रेडमी 12C है, ज़बरदस्त है, ठीक है। टेक्नो में क्या है, टेक्नो में ये मॉडल देख सकते हो आप, कितने सारे इसमें है, यहाँ पे देख लीजिए आप, फैक्ट्री सेट प्लस FRP, फैक्ट्री सेट, फ्लैशिंग, रीसेट FRP, हेल्थ चेक है, उसके बाद फिक्स DL इमेज एरर, वो जो ऑन करके एरर आता है, ठीक है, वो भी है इसमें।
तो यहाँ पे देख लीजिए कितने सारे हैं। मेरे हिसाब से इसको जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो कर लो, क्योंकि अगर ये मार्केट में ज़्यादा आ गया तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये टूल, ऐसे वाले टूलों की ज़रूरत है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, देखो हम अनलॉक टूल ले रहे हैं 1 साल के लिए, 3 महीने के लिए और 6 महीने के लिए, ठीक। तो ये जो एंड्रॉयड मल्टी टूल है, ये आप फ्री यूज़ कर लो, 10 क्रेडिट डालो, उसके बाद 10 क्रेडिट यूज़ ना भी करो फिर भी तो चल रहा है ना, बढ़िया, ठीक है, काम हो रहा है। जब ये ज़्यादा मार्केट में जाएगा तो ये ज़्यादा मॉडल लेके आएगा और बहुत सारा काम हो जाएगा इसमें। देखो यहाँ पे मैंने रियलमी सेलेक्ट करा, ये देखो कितने सारे ऑप्शन यहाँ पे आ गए। फैक्ट्री सेट FRP, फैक्ट्री सेट फ्लैश, रीसेट FRP, बोट लोडर लॉक अनलॉक, ठीक है। तो RPM, राइट रीड, सही है। अब यहाँ पे देख लीजिए मॉडल कितने सारे हैं, मॉडल बड़े भी है छोटे भी है। अब सारे तो नहीं बोल सकता, पर जिस हिसाब से टूल है उस हिसाब से बहुत ज़बरदस्त काम है। यहाँ पे यूनिवर्सल क्यों है, उसके बाद ओप्पो पे चलते हैं, A15S है। यहाँ पे कितने सारे हैं, फैक्ट्री सेट प्लस FRP, फैक्ट्री सेट फ्लैश, FRP रीसेट, बोट लोडर लॉक अनलॉक, उसके बाद RPM, रीड एंड राइट, ठीक। और मॉडल दिखाता हूँ यहाँ पे, A53S, 54, 55, 57, 58, A5S पुराना मॉडल है, A72 है, A76, यहाँ पे F17 Pro भी है इसमें, F19 Pro, F19 Pro Plus भी है, F9K10, ज़बरदस्त है। बहुत पहले का जब ये टूल आया था तब मैंने आपको वीडियो दी थी, शायद आपको याद ना हो। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने क्लिक करके रखा था वन प्लस पे, यहाँ पे देख लो थोड़े से मॉडल है वन प्लस के, फैक्ट्री सेट प्लस FRP, फ्लैशिंग रीसेट FRP, बूट ऑटो लॉक अनलॉक, RPM राइट और रीड। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ही मॉडल है वन प्लस के, ठीक हो गया। नोकिया के कितने सारे हैं, 2 ही है, C12 है, TA1535 है, और HMD यूनिवर्सल पे यहाँ पे कर सकते हो फैक्ट्री रीसेट प्लस। मतलब इसमें यूनिवर्सल में क्या आता है, कोई भी मॉडल हो जो सपोर्टेड होगा वो होगा, जो नहीं होगा, सी सीरीज़ में इन्होंने एक करा फैक्ट्री रीसेट प्लस FRP, फैक्ट्री रीसेट फ्लैशिंग और रीसेट FRP। यहाँ पे क्लिक कर लो जो सपोर्टेड होगा, खाली ये फैक्ट्री रीसेट और प्लस FRP कर लेगा जो HMD मोबाइल, आपको पता होगा अगर ये काम कर रहे हो आप तो। उसके बाद माइक्रोमैक्स बहुत पुराना है, एक ही मॉडल है उसका, माइक्रोमैक्स आजकल होते नहीं है ना के बराबर है। लावा के कितने सारे मॉडल है, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ इतने सारे मॉडल है, ठीक है। इसकी भी उतनी ज़्यादा कार्बन की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत पुराने हैं। तो जियो एक ही मॉडल है, पुराने है, आपको पता ही है जियो एक ज़्यादा क्रेज़ है इसका। तो फैक्ट्री रीसेट प्लस FRP, रीसेट FRP, फ्लैशिंग कर सकती हो, ये एक मॉडल ज़्यादा दिमाग ख़राब करता था, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आइटल के कितने सारे मॉडल यहाँ पे ऐड किए इन्होंने, ठीक है। फ्री की बात कर रहा हूँ, जो फ्री में कोई चीज़ दे रहा है तो उसको करना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो अगर आप ये बाई कर रहे हो, कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को बता सकते हो, मैं फुल वीडियो लेके आ जाऊँगा हर ब्रांड पे। देखो ये ब्रांड है आइटल है, इनफिक्स है, जियो है, कार्बन, लावा, माइक्रोमैक्स, नोकिया, वन प्लस, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग, टेक्नो, वीवो और रेडमी। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट्स कर लो, मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या फिक्स होता है। तो वैसे मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है, तो उम्मीद करूंगा ये वाली वीडियो क्लिप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, प्यारे से कमेंट कर लेना, हो सके तो शेयर कर लेना, और व्हाट्सएप नंबर याद रख लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कमेंट बॉक्स में जाना, वहाँ पे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन हो जाना। ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।